मध्य प्रदेश की नई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस कर रही है। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़े इलाके झाबुआ जिले की, तो यहां के मेघनगर शासकीय महाविद्यालय शिक्षा अध्ययन की मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, जिससे लंबे समय से यहां के अध्ययनरत छात्र छात्राएं नाराज हैं। असुविधाओं की वजह से छात्र छात्राओं के भविष्य से भी शिक्षा विभाग खिलवाड़ कर रहा है, जिससे यहाँ के अध्ययनरत छात्र छात्राओं में भारी रोष है। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालय BA और BCom संकाय में सुविधा तो दी गई, लेकिन शासन के पास महाविद्यालय बिल्डिंग न होने की वजह से मेघनगर में शासकीय प्राइमरी स्कूल के 2 कमरों में महाविद्यालय को शिफ्ट कर दिया। मात्र 2 कमरों में महाविद्यालय लगने से छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज में तो हर प्रकार की समस्या है, पर सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ पर ना ही रूम 3 है और कक्षाएं अधिक लगती है, जिससे ना तो पढ़ाई हो पाती है। इसके अलावा बरसात में पानी की भी समस्या होती है, तीनों रूम में पानी चुभता है, जिसके कारण किसी प्रकार की पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। उसके बाद में ना खेल का मैदान सही से है, ना लाइब्रेरी की सुविधा है, और यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और पास में बच्चों का शोर शराबा रहता है, जिससे पढ़ाई सही से हो नहीं पाती है। प्रशासन से भी यही आशा है कि ITI कॉलेज में इस कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि पढ़ाई सही से हो जाए। नया सत्र भी स्टार्ट होने वाला है। प्राइमरी स्कूल के 2 कमरों में महाविद्यालय लगने से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल का फर्नीचर पड़ा है, जिसमें छात्रों को बैठकर विद्या अध्ययन करने में समस्या आती है। कुछ ही दिनों में महाविद्यालय का नया सत्र प्रारंभ होना है और बारिश के मौसम में महाविद्यालय को दिए गए 2 कक्षों में पानी भी टपकता है, जिसके चलते यहाँ के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के पास के ही IT कॉलेज में शिफ्ट कराने की गुहार कई बार लगा चुके हैं, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। जो प्राथमिक सुविधा बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जैसे लाइट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, कमरों की दिक्कत है, ऐसी प्राथमिक सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। और जैसे विगत में वर्षा के टाइम पे अभी 10-15 दिनों में बारिश आने वाली है, पिछली बारिश में भी कमरों की इतनी समस्या थी। जो 3 रूम है, 3 में से 2 ऐसे हैं जिनमें हर कोने में पानी टपकता है, मतलब एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ पे विद्यार्थियों को बिठा के पढ़ाया जा सके। इस तरीके की समस्याएं बहुत सारी है, जगह की कमी है, शौचालय नहीं है ढंग से। जैसे देखा जाए तो बालिकाओं के लिए भी शौचालय की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पर। इसके पूर्व में अपने प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जी भी मौखिक किए गए थे कलेक्टर को कि अभी इसको ITI में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद भी काफ़ी बार प्राचार्य जी से भी बातचीत हुई, पर शायद उन्होंने हर बार जाते इस प्रयास से कि वो उनको बिल्डिंग को वहाँ करने की कोशिश करें। अभी कॉलेज प्रशासन से इतनी मांग है कि अभी कम से कम जब तक कॉलेज की जमीन अलॉट नहीं होती है, वहाँ तक अस्थायी रूप से ITI में कॉलेज चलाया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय को सुविधाओं के अभाव में लावारिस बनाकर छोड़ रखा है। यहाँ पर छात्रों के लिए शौचालय की मूलभूत सुविधा तक नहीं है, ना ही छात्र छात्राओं के लिए खेल मैदान, लाइब्रेरी कक्ष या स्मार्ट कंप्यूटर कक्ष की कोई सुविधा है, और ना ही वाहन पार्किंग से संबंधित कोई स्थान है। यहाँ तक कि महाविद्यालय के शिक्षकों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब आप ही बताएं, यह छात्र अपना भविष्य इन 2 कमरों में कैसे गढ़ेंगे? प्राथमिक स्कूल में संचालित हो रहा है, बुनियादी स्कूल में लगभग 2015 से महाविद्यालय खुला है, लेकिन यहाँ स्टाफ के बैठने के लिए अलग से रूम नहीं है। कंप्यूटर प्रिंसिपल रूम में ही लगा हुआ है, लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब अलग से नहीं है। लाइब्रेरी की किताबें खुली हुई पड़ी रहती हैं। 4 साल होने को है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अभी तक नहीं, इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग हमें नहीं मिल पाई अभी तक। और छात्राओं के लिए शौचालय की समस्या है, इसलिए छात्राएं आने में कतराती हैं। हम चाहते हैं कि ITI में ये कॉलेज शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहीं बिल्डिंग की जमीन मिली है, तो बच्चों को अभी से जाने की वो होगी कि हम लोग वहाँ जाके पढ़े तो आगे भी उनको असुविधा नहीं होगी जाने में। फाइल उठी थी कि वहाँ पे जाने का भी, लेकिन बीच बीच में चुनाव आ गए तो आचार संहिता लग गई, तो वो प्रक्रिया वहीं रुक गई। जाने का हम लोगों ने किया था, फिर हमारे प्राचार्य महोदय भी राजी थे वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया चुनाव के आचार संहिता के कारण वहीं अटक गई। अब हो सके। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट।